रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कामदगिरी पर्वत से हम लोगों ने अभी अभी पंचकोशी प्रतिमा जो है पूरी की है, और पीछे आप हमारे देख सकते हैं कामतानाथ मंदिर में अभी संध्या आरती हो रही है, और पंचकोशी प्रतिमा पूरी करने के बाद अभी हम लोग मंदिर की सीढ़ियों पर हैं। और कैसा महसूस कर रहे हैं शिवम जी? बहुत ही यूनिक अनुभव रहा हमारा, और यहाँ आना हमारा लग रहा है कि हमारा बहुत सफल हुआ ये हमारा ट्रिप जो था, और मुझे लगता है कि जो भी ये देखे और जिसको ये भी पता चले तो वहाँ आने के बाद ज़रूर अपनी कोशिश करे यहाँ आए, और यहाँ का जो राम जी की जो सुंदर कल्पना की गई है यहाँ पर, और उनकी कल्पना वास्तविकता क्या वास्तविकता है, वही है जो बहुत ही मनमोहक है। जितने भी मंदिरों के भीतर हम लोग ने दर्शन किए, माता सीता के साथ प्रभु श्री राम जी विराजमान है अपने राम दरबार के साथ, बहुत ही मनमोहक रहा, और जो आरती रही उसमें हम लोग शामिल हुए और बहुत ही अच्छा लगा। थकान जो पूरी मिट चुकी है, पंचकोशी परिक्रमा करने के बाद जो आनंद अभी प्राप्त हुआ है उसका वर्णन करना जो है मुश्किल है। और अभी आने वाले जो मैं उन मित्रों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि जो पंचकोशी परिक्रमा है प्रातःकालीन प्रारंभ करें, क्योंकि जो दृश्य है बहुत ही मनोरम रहेगा, और समय निकाल कर आइए। कम से कम आपके पास 2 दिन होना चाहिए, तब आप चित्रकूट को बहुत अच्छे से भली भांति जान सकेंगे, और यहाँ की जो पवित्रता है, जो यहाँ की सुंदरता है, उसे आप बहुत अच्छे से अपने अंदर ग्रहण कर सकेंगे। और आने वाली अभी जो यात्रा है अभी उसमें हनुमान धारा और बहुत सी चीज़ें छुटी हुई है, उसे हम कल पूरा जो है करने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मण रूप में हनुमान धारा, लक्ष्मण धारी और मंदाकिनी नदी है, उसको भी और भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद है कल तक पूरा हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। सायोनारा।